हमारी इंडस्ट्री में आजकल जो बड़े ज़बरदस्त ड्रामास जो आप देख रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उनमें जो नेगेटिव किरदार अदा करते हैं लोग, हम जरा उनसे भी पूछेंगे कि भाई, क्योंकि आप एक स्क्रिप्ट में इतना डूब जाते हैं, उसका अपना इम्पैक्ट कितना होता है आपकी लाइफ पे। पारस मसरूर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ साथ फरीदी हैं, अस्सलाम वालेकुम साथ। और हमारे साथ सना अस्करी भी हैं, अस्सलाम वालेकुम सना एंड वेलकम टू सुबह का समा। थैंक यू। सबसे पहले तो वैसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये अपनी एक्टिंग के करियर का आगाज़ कैसे किया था? एक्टिंग का आगाज़ तो होश संभालते ही हो गया था, क्योंकि हर इंसान अदाकार है और जब से इंसान अपने शऊरी कैफियत में आता है और होश संभालता है तो मैं समझता हूँ कि वो, और नहीं भी आता तो बचपन से ही, बच्चा जब उसको भूख लग रही होती है तो वो रो के नखरे करके और मैनिपुलेशन करता है और किसी ना किसी तरह अपनी बात मनवाता है। माँ भी वैसे बच्चे को तभी करती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। हाँ, मतलब कि ये जो फ़न है ये पैदाइशी मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर है और हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस काम को सीरियसली ले लिया। और ये है कि अदाकारी का आगाज़ मेरा शुरू हुआ था नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से प्रॉपर। 2005 में इनरोल हुआ था मैं और 2007 में पास आउट हुए और तब से अब तक जो है वो थिएटर से भी वाबस्ता है, फिल्म भी कर रहे हैं, टेलीविजन भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। और बाकी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनमें पारस यू लकी वन ऑफ देम, कि हमें पता होता है कि अच्छा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आएगा। जो संगे मरमर में स्पेसिफिकली द वे यू परफॉर्म्ड, ओ माय गॉड, मतलब वो क्या ड्रामा था और किस तरीके से वो ड्रामा बनाया गया था। अच्छा, साथ क्योंकि मेरे साथ आज जो तीनों माशा से जो एक्टर्स हैं, आई हैव मेरे लिए ना ज़रा रिस्पेक्ट का ज़रा बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे रखती हूँ उन लोगों को जो कि थिएटर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो थिएटर का जो एक्टर होता है ना वो रिएक्शन वगैरह को देख के एक्ट कर रहा होता है। मतलब मैं अगर कहीं एक्ट करी मुझे पता चले जी सामने मुझे सही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मेरी तो एक्टिंग वहीं ठूस हो जाएगी, लेकिन ये लोग इनकी एजुकेशन ही वहीं से होती है। साथ आपका कैसे स्टार्ट हुआ था? जी मेरा, मैं आया था 2014 में नैपा में और मेरा कोई वैसे अदाकारी का कोई इरादा नहीं था उससे पहले। इसका क्रेडिट जाता है मेरी बेगम को, उनको होस्टिंग करनी थी तो उनको किसी ने कहा कि नैपा एक जगह है जहाँ पे जो है वो अदाकारी वगैरह सिखाई जाती है, तो मैं चूँकि वी वर फ्रेंड्स तो मैं उनके साथ चला गया था नैपा। वहाँ फिर उन्होंने कहा भाई आप क्यों इसमें आना चाह रहे हैं, तो आई हैड नो क्लू, तो उन्होंने कहा मैं कि भाई मुझे होस्टिंग का है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एकेडमी में आऊँ। तो जो मैनेजमेंट में थे उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप शाम में आएँ, एक प्ले हो रहा है और वो प्ले आके आप देखें। तो थर्ड ईयर फाइनल परफॉर्मेंस हो रही थी वाम इंद्रजीत, वो जब मैंने शाम में वैसी आके देखा थिएटर तो वहाँ से मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी अदाकारी हो रही है इतनी रियल और आप उसी वक्त उसको फील कर रहे हैं। वहाँ से मेरा फिर इंटरेस्ट जगा और उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया और मेरी सिलेक्शन हुई और फिर बस। यानी आपकी बेगम है जो आपको इसमें लेकर साथी तौर पर, इरादा बिल्कुल भी नहीं था, तो बेगम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। बेगम आपकी एंकर बनी? नहीं, मैं वो एक्ट्रेस बन गई। वो बेगम बन गई। वो जो एक्ट्रेस बन गई, लेकिन जो है ये इनका जबरदस्त जवाब आ गया। तो उन्होंने फिर आपसे थिएटर किया या नहीं? जी मतलब हम एक ही बैच में थे और उसके बाद फिर मेरा शौक जाहिर है जब मैंने, मुझे पहला प्ले वहाँ से मिला, हमारे सुनील शंकर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था पहला ट्राइमेस्टर, वहाँ से फिर मुझे जब कैरेक्टर दिया गया कि भाई आप इस पर काम करें और फिर जितनी वो बारीकियाँ नुआंसेस होते हैं कि भाई यहाँ से क्या है इसकी कैरेक्टर की क्या क्या नेचर है, कौन सी सिचुएशन में है, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट उसमें आता गया आता गया आता गया। फिर ज़िया मुहीद्दीन साहब से डिक्शन पढ़ी और बड़े बड़े दिग्गज उनको देखा, इंस्पायर हुए, थिएटर परफॉर्म किया, पहली दफ़ा स्टेज पे गए, वो उसका एक फिर अलग जाहिर है उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यही काम करना है। तो बस तब से अब तक लगे हुए, तब से लगे। और सना आपने भी थिएटर से शुरुआत की? अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी हाँ साथी एक्ट्रेस हूँ। मैं गई थी ये अपनी बीवी के पीछे गए थे, मैं अपने मियाँ के पीछे गई थी। मिनाज भाई, मिनाज मैं मिनाज के पीछे गई थी। मैंने कहा चिलिंग होगी यार, बैठेंगे चिलिंग करेंगे,
और बस ये हादसा हो गया. मतलब मुझे तो अंदाज़ ए भी नहीं पता थी एक्टिंग की, मुझे स्क्रिप्ट ही पढ़नी आती थी. तो माशाल्लाह बड़ी बेइज्जती हुई है ज़िया साहब से. ऐसे गीले गीले जूते पड़ते थे, मीठे मीठे जूते उर्दू पे के. बट आई मीन मुझ जैसे इंसान को अगर कोई एक्टर बना सकता है वो नापे बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता जिसको स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी आती हो. तो ये जो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है सना, वो आपकी नापा की जो है. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मुझे थिएटर के जितने भी मैंने एक्टर्स देखे हैं उनके पास ना ज़रा गुंजाइश कम होती है उर्दू में गलती करने की. कर ही नहीं सकते, जुर्म है. सो इट्स अ क्राइम. तो ये मुझे बताइए, उर्दू आपकी थिएटर ज्वाइन करने से पहले अच्छी थी? ये जो स्ट्रेसेस एंड पॉजेस आते हैं इनकी तो थी, ये झूठ बोलेंगे. आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितना स्ट्रेस देना है, ये थिएटर ने सिखाया? असल में पढ़ने का जो बाकायदा शौक पैदा हुआ ना, वो नापा ज्वाइन करने के बाद हुआ, जब हमने ड्रामा पढ़ना शुरू किया. और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. वो जब ज़िया साहब की क्लास में गए तो अच्छे अच्छों को पता चल जाता है कि उनकी उर्दू ठीक नहीं है. तो बस वो मौका मिला वहाँ पे, ज़िया साहब ने हमारा तलफ़ुज़ ठीक कराया और हमें बताया. प्यार से तलफ़ुज़ ठीक हुआ था पारस या फिर? हाँ, ज़िया साहब जो है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल इंसान थे, अल्लाह उनको करी करे, और हमारे मेंटोर हैं और अडोरेबल ह्यूमन बीइंग. मैंने इतना नफीस इंसान, इतना क्यूट आदमी जिंदगी में नहीं देखा. बिल्कुल. और प्रोफेशनलिज्म ऐसा था कि वैसे प्यार मोहब्बत सब कुछ जबरदस्त, लेकिन अगर आपने काम के मामले में थोड़ी सी भी कोताही की या आपने कोई लफ्ज गलत बोला तो बस उस पर क्लास हो जाती थी. और अच्छी खासी फिर वो पहले तो मतलब ऐसे बताते थे कि जान निकल जाती थी, और फिर बाद में डांटने के बाद और फिर खुद ही हंसना शुरू हो जाता था. तो फिर हम नॉर्मल हो जाते थे, सिचुएशन को नॉर्मलाइज भी करते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए सांस बिल्कुल हमारी. उनका प्यार से समझाना भी ऐसा होता था कि वो आप फिर उसको सह नहीं पाते. उनका इतना बड़ा था. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे अभी कहा गलती, ठीक है, अगर आप गलती बोल देते ना तो वो ऐसे होते ऐसे करते जी. क्या कहा आपने? और फिर उनका मेरे साथ तो सबसे पहले था ख्वाब 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 ख्वाब, एंड देन ही वाज लाइक जी. सांस अंदर की अंदर ऊपर की ऊपर, यू नो कि अभी कुछ आने वाला है, और वो जुमले. अच्छा आई एम श्योर कि आज के ना शो से आप भी ना जरा ठीक करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज जो गलत उलाम है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नहीं बोलना. जैसे मतलब ख्वाब में देखा था तो ख्वाब नहीं होता, जैसे ख्वाजा जी होता है, ख्वाजा भी नहीं होता, हम ख्वाजा बोल रहे थे ख्वाजा. हाँ जैसे मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत मोहब्बत होता है, और भी ऐसे बहुत सारे. देयर वर सो मेनी. उसके बाद सांस लेना भी नापा ने सिखाया. बिल्कुल. मुझे लगता था जब हम ब्रीदिंग की क्लासेस लिटरली एग्जैक्टली, तो वो शुरू शुरू में ना मैं अम्मी को जाकर, अम्मी हमें तो सांस भी नहीं लेनी आती, हम गलत सांस लेते हैं, कहती क्या बकवास कर रही है. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स, किस तरह खड़ा होना है, किस तरह क्या करना है. आई मीन फॉर मी इट वाज अ फिनिशिंग स्कूल, यू नो हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, नॉट जस्ट थिएटर. अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है भाई आपकी. इट वाज लाइक यू नो यू वर बीइंग ग्रूम्ड. सिर्फ एक क्लास से भागती थी मैं, वो थी स्क्रिप्ट. मजाल है जो मेरा दिमाग चले स्क्रिप्ट की क्लास में, बहुत मुश्किल क्लास.